बोलते हैं ना कि एक अपराध की जड़ दूसरे गुनाह से जुड़ी होती है। यह कथन सकरदरा पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में बखूबी सिद्ध होता है। सकरदरा पुलिस थाना अंतर्गत एक सेंधमारी की घटना आगे आई है, जिसकी जांच करते हुए अन्य बाइक चोरी के मामले का भी पर्दाफाश हुआ है, जिसके चलते मुख्य आरोपी समेत अन्य दो विधि संघर्षित बालकों को हिरासत में लिया गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला। दरअसल 19 अगस्त को सोमवारी कोटे निवासी फिरियादी कल्पना खोड़े उम्र 60 वर्षीय इनके पति की प्रदीर्घ बीमारी के चलते मृत्यु हुई, जिसके चलते अंत्यविधि के उद्देश्य से उनके शव को एम्बुलेंस से पैतृक ग्राम ले जाया गया। मौके का लाभ उठाते हुए उसे एम्बुलेंस के चालक अश्वजीत वानखेड़े द्वारा यह बात अश्वजीत ने अपने बेटे 19 वर्षीय रितेश वानखेड़े को बताई और चोरी करने की सलाह दी। जो पिता अपने बेटे को अच्छा नागरिक बनाने का कर्तव्य रखता था, आज उसी ने अपने बेटे को चोरी की सलाह दी। यह बात अटपटी जरूर है, लेकिन सत्य है। बहरहाल जब फिरियादी कल्पना घोड़े 20 तारीख को दोपहर 2 बजे घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसके घर की कुंडी खुली हुई है और जब घर में प्रवेश किया तो सेंधमारी का चित्र स्पष्ट हुआ। इस सेंधमारी में लगभग 2 लाख का माल चोरी हुआ था। मामले की गंभीरता को समझते हुए फिरियादी ने सकरदरा पुलिस थाना अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई, जहां घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज में पाया गया कि मुख्य आरोपी और साथ में 2 युवक इस सेंधमारी में शामिल है। जांच के दौरान एक संदिग्ध अपराधी को हिरासत में लिया गया। वहीं अन्य अपराधियों की खोज के दौरान इमामपाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत बिना नंबर प्लेट की मोपेड से जाते हुए 2 विधि संघर्षित बालक और एक लड़की को हिरासत में लिया गया, जहां पूछताछ में निष्पन्न हुआ कि इन अपराधियों द्वारा अन्य 5 अर्थात मौके पर पाई गई मोपेड को शामिल कर 6 वाहनों की चोरी को अंजाम दिया गया है। पूरे मामले की निशात कर लाखों का मुद्देमाल जब्त किया गया है और आगे की जांच जारी है, जिसकी जानकारी दी सकरदरा पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल ताकसांडे ने। दिनांक 20/8/2023 ला फिरियादी आहे कल्पना घोड़े यांचे मिस्टर मरण पावले होते। ते आपल्या मूळ गावी त्यांचं अंत्यविधी करण्याकरता गेले होते घराला कुलूप लावून। त्याचाच फायदा घेऊन चोरट्यांनी घराला कुलूप असल्यामुळे कुलूप तोडून आतमध्ये शिरून घरफोडी केली व सोन्याचे मंगळसूत्र, कानातले झुमके, मोबाईल असा जवळपास 2 लाखाचा ऐवज त्यांनी चोरून नेला। आम्ही लगेच CCTV फुटेज आजूबाजू चेक केले असता आम्हाला 3 जण एका मोपेडवर व्हाईट कलरच्या जाताना दिसले। त्यांचा आम्ही जेव्हा बांधा बघितला तर आम्हाला ते इमामवाड्याचे एक जण ओळखीचा वाटला आरोपी, त्या अनुषंगाने आम्ही संशयित म्हणून त्या आरोपीस ताब्यात घेतले। त्यापैकी एक आरोपी आमच्या ताब्यात मिळाला, त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली की आम्ही सदरचा गुन्हा केलेला आहे म्हणून। मग इतर 2 आरोपी आम्ही शोधत असताना इमामवाडा परिसरात अजून 2 आरोपी आम्हाला पाहून पडताना दिसले। त्यांच्याकडे मोटरसायकल होती, त्यांना ताब्यात घेतले असता त्यांनी सांगितले की ही सायकल मोटरसायकल चोरीची आहे। त्यांच्याकडे चौकशी केली असता त्यांनी 5 मोटरसायकल चोरीचे गुन्हे आम्हाला उघडकीस आणून दिले। आमच्या पुरुषांचे 3 आणि इतर 2 पुरुषांचे 2 असे 5 मोटरसायकलचे गुन्हे पण चोरी करून त्यांनी दिले। तसेच त्यांच्यासोबत मुलगीसुद्धा होती, ती पळून नेलेली होती। त्याच्यावर 363 गुन्हा दाखल होता त्या अनुषंगाने इमामवाडा पोलिसांना। मग आम्ही इमामवाडा पोलिसांना ते मुलगी वगैरे ताब्यात दिली, आरोपी दिले, तो पण एक गुन्हा त्या अनुषंगाने उघडकीस आला। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।